ये घर तो मैं किसी सूरत उसके नाम नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नाजायज मुतालबा है उनका। हाँ, अलबत्ता कुछ और सोचा जा सकता है। कुछ और क्या बाबा? बेटा, मैंने बहुत पहले दो प्लॉट लिए थे, एक तुम्हारे लिए, एक सुहेब के लिए। सोच रहा हूं कि तुम्हारे वाला प्लॉट तुम्हारी बीवी के नाम कर दूं। अरे बाप, अब बात तो सुन लो बेटा। देखो, वो प्लॉट भी कोई सस्ता नहीं है। अच्छा बोला, महंगा प्लॉट बेटा। देखो, ऊपर वाला पोर्शन मुकम्मल तौर पर तुम ले लो और उसे एक नौकरानी रख दो फुल टाइम। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाप? सब कुछ सोच समझ कर कर रहा हूं। देखो, किरण की ये प्लानिंग है, वो अलग होना चाहती है लेकिन इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। और आप उसके सारे मज़मूम मकासिद को जानते बूझते उसकी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। मजबूरी है बेटा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे, तुम्हारे बच्चों की उम्रें ऐसी हैं कि दुनिया की कोई अदालत उन्हें मां से अलग नहीं करेगी। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। और ये तुम्हारी बीवी अच्छी तरह जानती है कि बच्चे हमारी मजबूरी हैं। अरे नहीं बेटा, हौसला करते हैं, हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करते हो?